भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहली बार पौड़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक कर मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। वहीं 4 सितंबर को होने वाली दिल्ली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब सीएम धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है तो कांग्रेस दिल्ली में जाकर अपना रोना रो रही है। पौड़ी से संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता प्रभावशाली रूप से अपने संगठन कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए, उस दृश्य मेरे प्रवास में है। और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी, हम सब सीटें जीतेंगे।